भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण की सुविधा दी है। ये भी हमारे दलित वर्ग के, हमारे ट्राइबल वर्ग के, एससी एसटी के भाई बहनों या पिछड़ा वर्ग के जो भाई बहन हैं, उनके आरक्षण का अधिकार को जरा भी तकलीफ दिए बिना उसको बरकरार रखते हुए करने का काम हमने किया है, जो सालों से मांग हो रही थी, इनको परवाह नहीं थी। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के साथियों के लिए आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाने का काम भी हमारी भाजपा सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 3-3 दशक से मांग हो रही थी, इतनी सरकारें आई, यहां के ये सपा वाले भी उस सरकार में भागीदार थे, लेकिन उन्होंने कभी ओबीसी को अधिकार नहीं दिया। ये मोदी की सरकार आने के बाद हमने ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार देकर के ओबीसी की मांग को हमने पूरा किया है। देश भर में केंद्र सरकार के कोटे में जो मेडिकल सीटें होती हैं, उनमें भी ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला भी भाजपा सरकार का एक बड़ा निर्णय है। कुछ दिन पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी अपनी आधी सीटें 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर रखनी होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के परिवार, जो बेचारे कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, वे भी अब अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। भाइयों बहनों, गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी, ये जो हमने सारी व्यवस्थाएं बदली हैं, आराम से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं।